हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट के चौथे पार्ट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि पिछले तीन पार्ट में आपको इस चैप्टर से संबंधित प्रॉब्लम्स की का सॉल्यूशन आप कर पाए होंगे और आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी। चौथे पार्ट में यानी कि जो पिछले तीन पार्ट में जो रूल्स बताए उसके आगे मैं रूल्स बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, 1/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10, 20, 50% ऑफ, 40, 50% ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, और यदि काउंटेबल नाउन हो तो वो प्लुरल होता है, और वर्ब भी क्या होता है, प्लुरल होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी 1/3 के बाद प्लुरल नाउन, प्लुरल वर्ब, देखिए 1/3 के बाद सिंगुलर नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब, फिर यहाँ देखिए 2/3 के बाद प्लुरल नाउन, प्लुरल वर्ब, यहाँ 2/3 के बाद अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनके बाद यदि, इन सब के बाद यदि आता है अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब लगता है, अगर आता है प्लुरल नाउन तो प्लुरल वर्ब लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले रूल्स की ओर, यानी कि 44 नंबर रूल्स की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ दिया है कि 1/3 ऑफ या 2/3 ऑफ आदि के बाद, मतलब ऊपर जितने भी नंबर दिए गए थे उसके बाद ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग भी हो सकता है जिनकी क्वांटिटी पॉसिबल हो, जिनकी क्वांटिटी पॉसिबल हो। जैसे बुक में की बात कर रहा था, इसकी क्वांटिटी पॉसिबल है कि नहीं है, यानी कि जैसे कितने पेज आप पढ़े हैं, आधे किताब पढ़े हैं, या 2/3 भाग पढ़े हैं, 1/3 भाग पढ़े हैं, दीवार में पेंट कितना हुआ है, मैंगो के कितने भाग सड़े हुए हैं, तो क्वांटिटी संभव है यहाँ पर। तो इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इसके अनुसार हम वर्ब सिंगुलर रख सकते हैं। अगर ऐसा क्वांटिटी का बोध होता है तो हम वर्ब सिंगुलर भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 44 नंबर में देखिए कह रहा है कि यदि परसेंटेज का प्रयोग होता है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। परसेंटेज के साथ 10% का प्रयोग अगर हुआ हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यहाँ देख सकते हैं। आगे है मोर देन 1 के बाद, यहाँ बहुत गौर करने की बात है कि मोर देन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर मोर देन के बाद 1 आता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, वर्ब सिंगुलर होगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप। और मोर देन के बाद 2, 3, 4 आएगा तो प्लुरल नाउन आएगा और वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी प्रकार से आप कह सकते हैं नीचे कि अगर मोर देन के बाद प्लुरल नाउन आता है फिर देन वन आता है, मोर के बाद प्लुरल नाउन आता है फिर देन वन आता है तो वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, मोर प्रपोजल देन वन है, मोर कैमराज देन वन आर। तो फिर मैं एक बार रिपीट कर दूँ आपको कि अगर, बात को समझिएगा, अगर मोर देन के बाद अगर वन आता है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगेगा। मोर देन के बाद अगर 2, 3, 4 आता है तो प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब लगेगा। मोर के बाद प्लुरल नाउन और देन वन का प्रयोग होता है तो प्लुरल वर्ब लगेगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे, यदि यदि देयर का प्रयोग देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ कि देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्रयोग होने, इसके साथ प्रयोग में आने वाला वर्ब इनके, इसके बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन पर निर्भर करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि देयर का जो अर्थ होता है वो वहाँ होता है, तो वो एडवर्ब के रूप में होता है। अगर वैसा नहीं है, मतलब कि देयर का प्रयोग बिना अर्थ में हो, जो इसका कोई अपना खास अर्थ नहीं हो, तब उसे हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फिर हम कह सकते हैं कि सेंटेंस का निर्माण करने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक किताब है तो वहाँ पर ए बुक लिखेंगे तो सेंटेंस का निर्माण नहीं होगा, इसलिए एक वर्ब चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए हम डमी सब्जेक्ट यानी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का प्रयोग करते हैं, है ना। यहाँ देख लीजिए, देयर के बाद ए बुक है तो ए बुक के अनुसार इज लगा, 2 बुक्स है तो आर लगा। इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि जैसा सब्जेक्ट है वर्ब के बाद उसी प्रकार का वर्ब यहाँ पर लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि किंतु देयर के बाद प्लुरल नाउन या प्लुरल प्रोनाउन का प्रयोग होने पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वो शर्त क्या शर्त है, शर्त यह है कि प्लुरल फॉर्म से एक निश्चित राशि या इकाई यूनिट का बोध हो। जैसे 5 रुपीज आपको देना है तो वहाँ पर क्या है, एक निश्चित इकाई है, इसलिए इज लगा। ओनली अनदर 20 किलोमीटर आपको जाना है तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक निश्चित इकाई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग हो जाएगा। अगर निश्चित हो संख्या, अगर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ नहीं हो, निश्चित एक जगह हो, तो उसके लिए उसको हम एक निश्चित इकाई मानते हैं,
ये अमाउंट मानते हैं, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं चाहे वो प्लुरल का सेंस ही क्यों ना दे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया है कि यदि दो या दो से अधिक नाउंस के संयोग से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो उसे हम उसके साथ भी हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने बताया ऊपर ही कि दो नाउन जुटने के बाद भी एंड से वो एक ही चीज़ को व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगता है। उसी प्रकार से यहाँ भी ब्रेड बटर है, डक ग्रीन पीज है, या कमिंग गोइंग है, ये एक चीज़ को व्यक्त कर रहा था, यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इट का प्रयोग अगर मान लीजिए डमी सब्जेक्ट के रूप में हो, यहाँ पर दिया गया है कि इट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब लगता है। और एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर वर्ब तो लगता ही है, उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है, इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। और इसके बाद से टू बी वर्ब लगता है, इज एमआर वाज वर्ब लगता है, ठीक है। जैसे इट इज के बाद आई देख लीजिए, यहाँ पर इट इज तो ही है, हिम नहीं होगा, हर नहीं होगा, सी है, मी नहीं होगा, आई है ना, इसी प्रकार से होगा। नहीं तो आगे अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, और वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, इसका ध्यान रखेंगे आप। 50 नंबर में देखेंगे द फॉलोइंग द अंडरसाइन के साथ आने प्रयोग आने वाले वर्ब इनके बाद प्रयुक्त नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर फॉलोइंग के बाद नाउन क्या है, द नेम है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है। फॉलोइंग के बाद यहाँ पर नेम्स है तो वर्ब प्लुरल है ना, अगर नेम्स है यानी कि प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल, यहाँ पर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। इसी प्रकार से नीचे भी देख लीजिए, है ना, विद द रिपोर्ट्स तो प्लुरल है, विद द रिपोर्ट तो सिंगुलर है ना। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर रूल पर, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद नाउन इन ए पोजिशन का प्रयोग हो तो वर्ब नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होता है। जैसे मान लीजिए कोई नाउन या प्रोनाउन है और उसके बाद से नाउन इन ए पोजिशन का प्रयोग किया जाता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए, ठीक है। जैसे माई ब्रदर है, माई फ्रेंड है, रामन है, माई यंगर सिस्टर, ये नाउन इन ए पोजिशन है और इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा, इनके अनुसार नहीं लगेगा बल्कि इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा। जैसे मोहन के साथ ई के अनुसार इज लगा और यू के अनुसार आर लगा, न कि माई फ्रेंड के अनुसार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है जो 52 नंबर रूल में, इसको देख लेंगे, इसको मैं समझा देता हूँ आपको कि द किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर द लग जाता है, एडजेक्टिव किसी भी कहने का मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए जो क्वालिटी दिखाता है या फिर जो प्रॉपर एडजेक्टिव है उसके साथ अगर हम द का प्रयोग कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा कि वो क्या हो जाता है, वो प्लुरल नाउन हो जाता है। द का प्रयोग कर देंगे तो प्लुरल नाउन हो जाएगा। जैसे देखिए द रिच का मतलब होता है रिच पीपल, द पुअर का मतलब होता है पुअर पीपल, है ना, द ऑनेस्ट का मतलब होता है ऑनेस्ट पीपल। तो इस प्रकार से द का प्रयोग हम कर देते हैं तो प्लुरल नाउन हो जाता है, और प्लुरल नाउन हो जाता है तो उसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि यहाँ एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, 53 नंबर है, कह रहे हैं कि वन और टू के बाद प्लुरल नाउन या प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है तथा प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे वन और टू का प्रयोग होगा तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, प्लुरल नाउन लगेगा, प्लुरल वर्ब लगेगा। वन और टू का प्रयोग होगा तो प्लुरल नाउन होगा, प्लुरल वर्ब लगेगा। आगे बढ़ते हैं, करें कि 54 में द मेजोरिटी का प्रयोग किसी वाक्य के सब्जेक्ट रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है, या प्लुरल वर्ब का, दोनों का प्रयोग हो सकता है, सिंगुलर और प्लुरल। द मेजोरिटी का प्रयोग अगर वाक्य के सब्जेक्ट रूप में है तो सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों वर्ब का प्रयोग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, आपने यहाँ एस हनबाई ने रेफरेंस भी दिया है एक बुक का, तो एस हनबाई का रेफरेंस भी यहाँ दिया गया है उनके बुक का, और ये दिया गया, देख लीजिए प्लुरल सिंगुलर दोनों का प्रयोग है। लेकिन क्या होता है कि अगर मेजोरिटी ऑफ का प्रयोग कर दिया जाए तो उसके बाद हमेशा प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर है, अगर मेजोरिटी ऑफ का प्रयोग कर दिया जाए तो प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मेजोरिटी ऑफ के बारे में बहुत सारे राय दिए गए हैं, बहुत सारे ग्रामरियंस के द्वारा आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ ए मेजोरिटी ऑफ या ए माइनॉरिटी ऑफ का प्रयोग होता भी होता है। ऐसी स्थिति में प्लुरल नाउन तथा प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ए भी होगा चाहे द भी होगा तो भी ऑफ लग गया तो प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब का प्रयोग ही होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया जेफरी लिच और जैन सबर्थविक का द कम्युनिकेटिव ग्रामर ऑफ इंग्लिश है जिसमें दिया गया है, ये इसको देख लेंगे रेफरेंस के तौर पर। आगे बढ़ते हैं, यदि एक इन्फिनिटिव किसी वाक्य के सब का सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे टू सिंग है, टू वाक है, एक इन्फिनिटिव है तो वर्ब सिंगुलर है, इज है, यहाँ पर देखिए इज है, इज है। लेकिन यदि दो इन्फिनिटिव एंड से जुड़े हों तो वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। जैसे टू सिंग है, टू वीक है, दो इन्फिनिटिव को जोड़ दिया गया है एंड से तो ये प्लुरल हो गए, वर्ब प्लुरल हो गया यहाँ पर। उसी प्रकार से जिरन भी है, जिरन क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है जो नाउन का काम करता है। तो यह भी अगर अकेला होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, यहाँ देख लीजिए। और अगर अकेला नहीं है, अगर एंड से जुड़ा हुआ है दो जेरंड तो वर्ब प्लुरल होगा। जिस प्रकार से इन्फिनिटिव है उसी प्रकार से यहाँ पर जेरंड है। आगे बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ क्लज भी है। क्लज मान लीजिए कि एक होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर मान लीजिए कि एक क्लज सब्जेक्ट हो किसी वर्ब का
तो वो वर्ब सिंगुलर होगा। या देखिए एक एक क्लज है, यहाँ भी एक क्लज है, ये भी एक क्लज है, और ये भी एक क्लज ही है। तो यहाँ पर एक जो है क्लज है तो वर्ब क्या है? सिंगुलर है। लेकिन वही दो क्लज एन से जोड़ दिए जाए तो वर्ब क्या हो जाता है? प्लुरल हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज, ये दो क्लज जोड़ दिए गए एन से तो वर्ब क्या हो गया है? प्लुरल हो गया है ना। जैसे वेयर ही कम्स एंड वेयर ही गोज तो वर्ब प्लुरल हो गया। व्हाई ही वीप्स एंड व्हाई ही लाफ्स तो यहाँ वर्ब प्लुरल हो गया। दो अगर क्लज को एन से जोड़ा जाएगा तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में। आगे बढ़ते हैं। अगर दो दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एज वेलर से जोड़ा हो गया हो, दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एज वेलर से जोड़ा गया हो तो वर्ब किसके अनुसार होता है? तो छोड़िए, वर्ब सिंगुलर ही होता है यहाँ पर, तो दोनों सिंगुलर है तो किसके अनुसार करके क्या फायदा है? वर्ब सिंगुलर ही होगा। लेकिन वही चीज है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दे दिया गया वर्ब सिंगुलर कैसे होगा। लेकिन वही चीज अगर भिन्न भिन्न नंबर ऑफ पर्सन के सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हो एज वेल एज से, तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा सब्जेक्ट कौन होगा? तो पहला वाला होगा। एज वेल एज के पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को ही हम सब्जेक्ट मानेंगे और उसी के अनुसार वर्ब लगाएंगे। जैसे देखिए इस एग्जाम्पल्स में उसी वैसा ही प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं इसको, पढ़ करके समझिए इसको। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सब्जेक्ट के बाद टुगेदर विथ हो, देखिए दोनों को एक ही मिला देते हैं, 63 और 64 को एक ही मिला करके आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से होगा। यदि मान लीजिए कि विथ है, टुगेदर विथ है, या फिर इन एडिशन टू है, या फिर वो लाइक है, अनलाइक है, एंड नॉट है, रेदर देन है, एकम्पेंड बाई है, हेडेड बाई है, गाइडेड बाई है, गवर्न बाई है, कंट्रोल्ड बाई है, लेड बाई है, डोमिनेटेड बाई है, रन बाई है, इतने ये जो आपको लिंकिंग वर्ड है इनसे अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया हो तो वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होगा? तो पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे यहाँ मिनिस्टर है तो इसके अनुसार इज लगा हुआ है, यहाँ यू है तो इसके अनुसार आर लगा हुआ है, सीता के अनुसार इज लगा हुआ है, इंडस्ट्री के अनुसार इज लगा हुआ है ना, यू के अनुसार यहाँ पर हैव लगा हुआ है। तो इनके साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा होगा तो वर्ब किसके अनुसार लगेगा? इनके पहले जो सब्जेक्ट आएगा उनके अनुसार वर्ब लगेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही ये खास रूल है, ये भी इसको समझना होगा, इसको ध्यान में भी रखना होगा, क्योंकि बहुत जगह पूछता है कि यदि दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो और से जुड़े हों तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होता है। इसे देखिए, नाइदर राजू नॉर इज फ्रेंड्स है ना, तो फ्रेंड्स नजदीक वाला सब्जेक्ट क्या है? इज फ्रेंड्स है तो इसके अनुसार वर्ब प्लुरल है, वांट है। देखिए नाइदर यू नॉर आई नजदीक वाला सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो इसके अनुसार यहाँ एम है ना। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर रूल है, इसमें कह रहा है कि यदि सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन के बाद उसी नाउन का प्रयोग हो यानी रिपीटेशन हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे डे है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, फिर डे उसी नाउन को रिपीट किया गया है तो वर्ब सिंगुलर है। मैन है, फिर प्रीपोजिशन आफ्टर है, फिर मैन उसी नाउन को रिपीट किया गया है तो हैज है। उसी प्रकार से शिप है तो देख सकते हैं ऐसा होगा, तो इसी प्रकार से हम यूज करेंगे चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नथिंग बट और एवरीथिंग बट के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, नथिंग बट और एवरीथिंग बट के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लुरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, किंतु वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। देखिए नथिंग बट है चाहे एवरीथिंग बट है तो इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो सकता है या प्लुरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन वर्ब जो होगा वो क्या होगा? सिंगुलर ही होगा, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 68 नंबर रूल पर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ दिया गया है कि यदि द या ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, मतलब इस बनावट पर आधारित कोई वाक्य होगा तो वर्ब किसके अनुसार लगेगा? तो ऑफ के पहले आने वाले, जैसे ये ऑफ है, इसके पहले आने वाले सब नाउन के अनुसार लगेगा। जैसे कि यहाँ पर ऑफ के पहले क्या है? स्टूडेंट्स है तो इसके अनुसार यहाँ आर है, यहाँ ऑफ के पहले क्या है? बुक्स है तो इसके अनुसार आर है, यहाँ पर प्रेसिडेंट है ऑफ के पहले तो इसके अनुसार इज है, यहाँ पर ए नंबर ऑफ है तो इसके अनुसार यहाँ पर वाज है, ए मेंबर ऑफ है सॉरी, तो इसके अनुसार वाज है। तो ऑफ के पहले आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लुरल होता है, इसका अपन ध्यान रखेंगे उस स्ट्रक्चर के अनुसार जो पहले बताया गया है। यहाँ देखिए यदि हु विच तथा डैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो, यहाँ भी ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है ये रूल, कि अगर मान लीजिए हु का प्रयोग, विच का प्रयोग और डैट का प्रयोग अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तो वर्ब उसके एंटीसीडेंट यानी कहने का अर्थ है कि उसके पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हु है तो हु का एंटीसीडेंट क्या है? बॉय है, तो इसके अनुसार इज है। या हु है, इसका एंटीसीडेंट क्या है? बॉय है, तो इसके अनुसार आर है। या विच का एंटीसीडेंट क्या है? चेयर्स है, तो इसके अनुसार हैव है। यहाँ पर देख लीजिए नीचे एक नोट भी दिया गया है, इसको देख लेना है। यदि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो और उस नाउन या प्रोनाउन के बाद अल्सो का प्रयोग हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्रयोग में आने वाला वर्ब अल्सो के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए अल्सो यहाँ दिया हुआ है ना, तो इसके पहले क्या है? दे है, तो इसके अनुसार हु के बाद वर्ब आएगा, स्टैंड वी वन है। जैसे अल्सो है ना, यहाँ दे दिया हुआ है तो दे के बाद यहाँ पर देखिए हु के बाद वर्ब क्या आएगा? वर्क आएगा, वी वन। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑल्सो के पहले प्लुरल सब्जेक्ट है। यहाँ देखिए दो जो है, दो विलेजर्स है ना,
तो हु के बाद क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑल्सो के पहले दो विलेजर्स है और दो विलेजर्स क्या है, प्लुरल नाउन है, इसलिए यहाँ पर प्लुरल वर्ब भी ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि वन ऑफ का प्रयोग किया गया है तो वन ऑफ के बाद क्या होता है, वन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन होता है, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। देखिए यहाँ पर प्लुरल नाउन है, वर्ब सिंगुलर है, प्लुरल नाउन है, वर्ब सिंगुलर है। उसी प्रकार से अगर वन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन हो और उस प्लुरल नाउन के बाद हु का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, अगर वन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन हो और उस प्लुरल नाउन के बाद हु का प्रयोग होता है, या डैट का प्रयोग होता है, या विच का प्रयोग होता है रिलेटिव नाउन के रूप में, ठीक है, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, हु का प्रयोग, विच का प्रयोग, डैट का प्रयोग होता है, तो क्या करते हैं, वर्ब किसके अनुसार लगाते हैं, तो हु, डैट और विच के पहले आने वाले जो नाउन है उसी के अनुसार वर्ब लगेगा। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन आता है तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। जैसा कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हु है, हु के पहले ऑफिसर से तो वर होगा, हु के पहले प्लेयर से तो आर होगा, है ना। यहाँ पर ऐसा मिस्टेक हम करते हैं सिंगुलर लगा करके, लेकिन वो गलत हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर एप्टीट्यूड ने बताया है अपने करेंट इंग्लिश यूजेज में। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर कह रहा है, यदि एक संख्यावाचक विशेषण यानी कि रिलेटिव नंबर के बाद कोई प्लुरल नाउन हो और उससे एक निश्चित अमाउंट, वेट, पीरियड, डिस्टेंस, हाइट का बोध हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब कि एक यूनिट में दिखाता है ये चीज, एक निश्चित रूप, निश्चित राशि हो या डिस्टेंस हो या पीरियड हो या फिर हाइट ऊंचाई को दिखाता हो, निश्चित रूप से दिखाता हो, एक यूनिट में दिखाता हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर एक यूनिट में नहीं दिखाता हो तो वर्ब प्लुरल हो जाता है, ठीक है, लेकिन एक यूनिट में दिखाएगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे जितने भी यहाँ एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे 50 rupees इज नॉट टू मच फॉर दिस वर्क, तो एक इकट्ठा बताया जा रहा है इसलिए यहाँ पर इज लगा हुआ है। जैसे 5 years इज अ लॉन्ग पीरियड, इकट्ठा बताया जा रहा है इसलिए यहाँ पर इज लगा हुआ है। लेकिन वहीं हो जाता है कि 5 years आई हैव स्पेंट, 5 years हैव बीन स्पेंट बाई मी, तो यहाँ पर खर्च किया गया 5 years, तो वो तो एक जगह इकट्ठा नहीं बताया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर प्लुरल वर्ब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि 6000 rupees वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अमॉन्ग द वर्कर्स, तो वहाँ पर बांटा गया है 6000 rupees, इसलिए वहाँ पर वर लगा, प्लुरल वर्ब लगा। लेकिन अगर कहा जाए कि 6000 rupees इज ए हैंडसम सैलरी, तो वहाँ पर एक बात की जा रही है तो वहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा। तो इसको समझना होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है जो मैंने समझाया है कि अगर एक इकाई नहीं हो, अलग अलग हो, जो अभी मैंने समझाया आपको, तो वर्ब प्लुरल हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित कुछ रूल्स थे जो मैंने